नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से काम में जुट चुकी है, चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी हो चुका है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, इन तमाम बातों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं ना ही सीट शेयरिंग को लेकर, ना ही उम्मीदवार को लेकर, हम बात कर रहे हैं सियासती बाजार को लेके कि जिस तरीके से चुनाव आता है तो सियासत की बाजार है वो किस तरीके से सजती है, क्या क्या कुछ रहता है उसमें। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। हम राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत की बाजार है जो पूरी तरह से सज चुकी है। हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ है इसमें, किन किन पार्टियों का है, इन तमाम चीजों पर हम इनसे बात करेंगे। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हैं, टी शर्ट से लेके कैप से लेके गाड़ी में लगाने वाले तमाम जो चीज है सब कुछ है, हाथ में पहनने वाला बैंड, बैनर, पोस्टर, इन सभी चीज को, बैच, जो भी चीज होता है सियासत के बाजार में, उन तमाम चीजों को यहाँ उपलब्ध है। और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्राइस है इसका, क्या कभी तक कितना सामान बिक चुका है, क्या क्या है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अशोक सिंह। अशोक जी, ये बताइए कि इसमें क्या क्या है। चुनाव प्रचार का सारा आइटम मेरे पास है, मास्क से लेकर आपका झंडा, बैनर, टोपी, टोटल हैंडबिल, स्टिकर, सारे आइटम जो आइटम चुनाव में काम लाते हैं। हर बार चुनाव में मास्क काम नहीं आता था, लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बार मास्क भी आप तो इस बार कोरोना है ना, इसलिए तो मास्क लाना जरूरी है। तो क्या क्या प्राइसेज हैं बता सकते हैं, आपकी बैनर का क्या होगा, गाड़ी में लगाने वाले जो झंडे हैं उसका क्या होगा, टोपी का क्या है, बैंड का क्या है। बैंड आपको मिनिमम 10 रुपये का है और कम का भी है। बैंड झंडा में कई तरह का झंडा आपको 10 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी है। टोपी भी उसी तरह का है, कई रेट का है, 1-2 रुपये का भी है, 10 रुपये का भी है। एक चीज़ जो मैं इस दुकान में मिस कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है कहीं, वो है लालटेन। अभी तक कहीं मुझे दिखा नहीं। लालटेन है सर, खुल रहा है, आ रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है, अभी आया नहीं है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक कितना सेल हो चुका है। सेल कहाँ सर, अभी तो टिकट फाइनल हुआ कहाँ है, अभी तो नॉमिनेशन की जो खुदरा ले जाएंगे आज के बाद। कुछ तो बिका होगा। नहीं सर, अभी खुदरा खुदरी डिमांड है, खुदरा खुदरी हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपको उम्मीद है कि आपका दुकान खाली हो जाएगा। उसी तो बैठे हुए हैं सर माल लेकर खाली करने के लिए। तो और भी अन्य पार्टियों का इसमें है क्या कुछ? नहीं, कांग्रेस का है सर। सिर्फ कांग्रेस का? लेकिन घटक दल में तो और भी पार्टी है, उसका भी सामान रहेगा, जो भी आरजेडी के साथ रहेगा उसका सामान सिर्फ मिलेगा यहाँ। मतलब जो भी आरजेडी के साथ है उनका सामान, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का सामान है जी। एलईडी लालटेन कब तक आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्य जो चीज़ होती है, जो लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो कब तक आ जाएगा? 2 या 3 दिन अभी लगेगा। कितने दिन? 2-3 दिन लगेगा। मतलब 2-3 दिन में एलईडी जी लालटेन दिखने लगेगा इस दुकान पे जी, और जलने भी लगेगा जी। तो आपने सुना कि सीधे तौर पे इनका कहना था कि अभी फ़िलहाल कांग्रेस का सिर्फ बैनर है, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का सामान है, लालटेन अभी नहीं आया है क्योंकि सामान का ऑर्डर कर चुका है, लेकिन 2 या 3 दिन में एलईडी लालटेन भी आ जाएगा, क्योंकि अब एलईडी युग है। और तेजस्वी खुद भी कहते हैं कि अब लालटेन में एलईडी लग गया है। तो तस्वीर जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से सियासत की जो बाज़ार है वो सज चुका है, मंडी सज चुका है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोक भाव में खरीदारी नहीं हो रही है, खुदरे तरीके से बिक रहे हैं। मास्क ज़्यादातर बिक रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में मास्क की जो सेलिंग है वही ज़्यादातर हो रही है। लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें, टी शर्ट है, कैप है, इन सभी चीज़ों को यहाँ उपलब्ध कराया गया है। और टी शर्ट में पीछे लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल, तेज सरकार, तेजस्वी, और जो लालटेन है वो भी बना हुआ है। मतलब तमाम चीज़ें हैं राजद की तरफ जो पार्टी प्रचार में यूज़ होता है, उस सभी चीज़ों को यहाँ उपलब्ध कराया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स एचएसबीआर आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।